प्यारे दोस्तों, खट्टे दांत होना कोई रोग नहीं है, मगर यदि ये हो जाए, आपके दांत खट्टे हो जाए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर सकता है, खास तौर पे जब आप कुछ खाना चाहें मगर अपने खट्टे दांतों के कारण खा ना पाएं। ये जो सेंसिटिव दांत हैं, ये क्यों हो जाते हैं? जब हम कोई ऐसा फल खाते हैं जिसमें बहुत ही एसिड या खटास हो, जैसे कि कच्चे आम, इमली, पाइनएप्पल, नींबू, संतरा या कभी कभी अमरूद भी। ऐसे फल खाने के बाद हमारे दांत, उसके बाद जब भी कोई कड़क चीज़ खाना चाहते हैं या जब भी कोई सॉलिड चीज़ खाना चाहते हैं, उसमें ज़बरदस्त झनझनाहट होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट, एक ऐसा इलाज बताने वाला हूँ जो ना केवल बहुत ही सुलभ है, बहुत ही आसान है, मगर ये आपको किसी भी महंगे ट्रीटमेंट की तरफ जाने से बचाएगा और साथ ही साथ आपको कोई भी एलोपैथिक या सेंसिटिव टूथपेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करना भी नहीं पड़ेगा और इससे आपका इलाज भी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा इलाज है दोस्तों। आपके घर में बहुत ही एक सुलभ सा इंग्रेडिएंट अवेलेबल है जिसका नाम है चाय पत्ती। बस आपको चाहिए ये दो चीज़ें, 4 या 5 लौंग और 1 चम्मच चाय पत्ती। आपको लौंग को तवे के ऊपर भून लेना है, हल्का सा, बहुत हल्का सा भूनना है मित्रों। और इसके बाद इसको किसी मोटी चीज़ से या किसी कूटनी से अच्छी तरह से कूट लिया और फिर आपने चाय पत्ती को लेना है पानी में। 150 ml पानी में यदि आप 1 चम्मच चाय पत्ती मिलाएंगे तो काफ़ी होगी। चाय पत्ती के साथ साथ में ये पिसा हुआ लौंग भी आप मिला दीजिए और जब ये 150 ml पानी, 150 ml पानी घट के 100 ml पानी रह जाए, तो आप इसे गैस से उतार लें और इसे छान के एक कांच के बर्तन में निकाल लें। आपको इसको कैसे लेना है? आपको इससे कुल्ला करना है या माउथ में स्विच ऑफ करना है या गार्गल करना है, बस इतना ही आपको करना है। दिन में 3 या 4 बार आप इस ट्रीटमेंट को रिपीट कर सकते हैं। बिलीव मी, तुरंत आराम आता है। आपको किसी भी सेंसिटिव टीथ रिलीविंग टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, जब आपने एक बार कुल्ला किया है, उसके 5 मिनट तक आप दोबारा उसमें कोई और चीज़ का कुल्ला ना करें या प्लेन पानी से गार्गल ना करें, 5 मिनट तक उसका असर रहने दें, उसके बाद आप गार्गल कर सकते हैं और फिर मन चाहा आप खाना खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस छोटे से इलाज को कीजिए, फर्क देखिए, महंगे ट्रीटमेंट से बचिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये ट्रीटमेंट आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अच्छा लगे तो दूसरों के साथ में शेयर भी कीजिए। तो चलिए, मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ में, एक नए ट्रीटमेंट के साथ में। टिल देन, हैप्पी मंचिंग।